हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट के कीवर। मेरे गार्डन के वो परमानेंट प्लांट जो कि सालों से मेरे गार्डन में हैं और बहुत ही कम केयर में ग्रो हो रहे हैं, उन प्लांट के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो इस लिस्ट में पहला प्लांट है ये शतावरी का पौधा। देख सकते हैं बहुत ही सुंदर ये लगता है, वाइन वैरायटी का है, ऊपर बढ़ता रहता है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने इसे कहाँ पर ग्रो किया है। तो ये मैं एक घर के बाहर लगा हुआ था, तो मैं उखाड़ कर इसे लेकर आया था। इसमें कांटे होते हैं, तो अगर आपको कहीं पर देखने को मिले तो आप चेक करके ही उखाड़िएगा, नहीं तो कांटे आपको चुभ सकते हैं। तो ये ज़मीन पर लगा हुआ है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये कैक्टस, और ये प्लांट भी मैं किसी के घर के ही बाहर लगा हुआ था, तो छोटी सी कटिंग लेकर आया था। और इसके मैंने काफ़ी सारे प्लांट बना लिए हैं, काफ़ी लोगों को दिया भी है। और पहले तो ये प्लांट मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ तो मैंने देखा ये काफ़ी जगहों पर रोड साइड वगैरह पर लगा हुआ होता है। बहुत ही कॉमन प्लांट है, येलो कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये मनी प्लांट। ये भी बहुत ही हार्डी और बहुत ही कम केयर में चलता है, केवल पानी भी डालेंगे तो भी ये बढ़िया ग्रो होता रहता है। साल में एक बार ही इसे फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं तो फ़िलहाल इस रेनी सीज़न के बाद इसे फर्टिलाइज़ करता हूँ। कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है, इसलिए काफ़ी जगहों पर मैंने इसे ग्रो किया हुआ है। इसमें अगला प्लांट है ये नीम का पौधा। ये तो खुद ब खुद ग्रो हो गया था, लालसा का कंटेनर था। लालसा तो थोड़े दिन बाद ख़राब हो गया था, लेकिन ये अभी ग्रो कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसे बाहर कहीं लगा दूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो गया है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये यूका। इसे मैंने कटिंग से ग्रो किया था, काफ़ी बार मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। एक साल फिलहाल इसे नहीं हुआ है। तो ये प्लांट आपको कहीं पर देखने को मिले तो आप भी इसकी कटिंग ले आइएगा और कटिंग से ग्रो कीजिएगा। ये भी बहुत ही कम केयर में ग्रो हो रहा है, छत पर ही रखा हुआ है, फुल धूप में अच्छे से ग्रो कर रहा है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये कनेर। ये भी मैं रोड साइड से ही लेकर आया था। ये रोड साइड में बड़े बड़े प्लांट लगे हुए होते हैं और फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद बीज बनाता है। तो बीज जब ज़मीन पर गिर जाते हैं तो काफ़ी प्लांट ग्रो हो जाते हैं, तो प्लांट ही मैं लेकर आया था। आप भी रेनी सीज़न में अगर बाहर जाइएगा और आपको ये प्लांट कहीं देखने को मिले तो आप भी इसके सीड ले आइएगा या फिर नीचे चेक करिएगा तो काफ़ी प्लांट होते हैं, प्लांट ले आइएगा। इसके अलावा कटिंग भी ट्राई करिएगा, कटिंग ग्रो करेंगे तो मेरा तो एक साल में ब्लूमिंग करने लगा था। अगर आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो 2-3 मंथ में ही ब्लूमिंग स्टार्ट कर देगा। और ये है अरेबियन वैक्स आईवी। ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, बहुत ही हार्डी ये भी प्लांट है। ये भी फुल सन में ही रखा हुआ है और अच्छे से ग्रो हो रहा है, बस पानी का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। और यह है पताचट्टे का पौधा। ये भी बहुत ही बढ़िया प्लांट है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लैगी हो चुका है और ये शेड में रखा हुआ है, तो ब्लूमिंग तो फ़िलहाल ये नहीं करता है। लेकिन अगर आपके पास हो तो आप विंटर में इसे सनी एरिया में रखेंगे तो ये ब्लूमिंग भी बढ़िया करता है। और इसे इस तरह के पत्तों से ही आप ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है, तो इस तरह से कंटेनर में रख दीजिए और इससे भी 5 से 6 प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे। इसमें अगला प्लांट है ये स्पाइडर लिली। लास्ट ईयर तो इसमें कम ब्लूमिंग हुआ था, लेकिन इस साल इसमें लगातार पूरी गर्मियां ब्लूमिंग होती जा रही है, फूलों से खुशबू भी आती है। और इसे मैंने कंटेनर में लगाया था तो कंटेनर तो टूट गया था, तो ये अब वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है और भी बढ़िया ग्रो कर रहा है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये पेंसिल कैक्टस। इसे भी मैंने फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड किया था, कटिंग से ग्रो किया था। एक स्कूल के बाहर ये लगा हुआ था तो वहाँ से मैं लेकर आया था। और इसकी तो मैं काफ़ी सारी कटिंग बना चुका हूँ, काफ़ी लोगों को दे भी चुका हूँ। और कुछ प्लांट तो इसके इस तरह के कंटेनर में लगभग 2.5 साल से लगे हुए हैं, तो मैं सोचा हूँ कि मैं उन्हें रिपोर्ट कर दूँ। और ये थूहर का प्लांट, और ये भी बहुत ही कॉमन प्लांट है, घर के बाहर लगाया जाता है, लोग सुबह भी इस प्लांट को मानते हैं। और देख सकते हैं निगलेक्टेड से पॉट में लगा हुआ है, बस ऐसे ही पेंट के डिब्बे में मैंने लगा दिया था रोड साइड से कटिंग लाकर। ये भी कैक्टस उसी तरह से है, इसे भी मैं घर के बाहर से ही लेकर आया था। और ये डेविस बैकबोन भी देख सकते हैं, इस तरह के एक लोहे के डिब्बे में लगा हुआ है, इसलिए इस पर जंग लग गया है। फ़िलहाल मैंने इन्हें पेंट नहीं किया है, तो जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इन्हें पेंट कर दूंगा, तो ये और भी सुंदर लगेंगे।
और ये है अगेव, ये भी बहुत ही कॉमन प्लांट है और बहुत ही कम केयर में मेरे गार्डन में फ़िलहाल ये ग्रो कर रहा है। और ये दोनों ही मैं रोड साइड से ही लेकर आया था। ये बहुत ही कॉमन प्लांट है, रोड साइड वगैरह पर लगे हुए होते हैं क्योंकि रोड पर कोई केयर करने वाला होता नहीं है, तो इसी तरह के प्लांट लगाए जाते हैं। और इन्हें तो जानवर भी नहीं खाता है, एक ये भी रीज़न है क्योंकि इसमें कांटे होते हैं और इनके प्लांट से ही, रूट से ही नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, तो ये बहुत ही तेज़ी से डिवाइड भी होता है। नर्सरी में अगर आप लेंगे तो ये 30, 40 या फिर 50 रुपीज़ में पॉलीबैग में मिल जाता है, तो आप नर्सरी से भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हों तो दूर रखिएगा क्योंकि इन्हें कांटे चुभ सकते हैं। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये फर्किरिया। ये भी मेरी गार्डन में कम केयर में ही ग्रो हो रहा है, मैं बस पानी ही डालता हूँ। और तो और इसे मैंने फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड किया था, कटिंग से मैंने ग्रो किया था। आपको भी ये प्लांट कहीं पर देखने को मिले तो आप भी इसकी कटिंग ज़रूर लाइएगा। और इसे मैंने दिसंबर मंथ में ग्रो किया था, सॉरी जनवरी मंथ में ग्रो किया था, 1 जनवरी को ग्रो किया था। अब 1 जनवरी आएगा तो ये 2 साल का हो जाएगा। और ये है डेविस बैकबोन, इसे भी मैंने फ्री में ही अपने गार्डन में ऐड किया था और अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये किस तरह के कंटेनर में लगा हुआ है। तो देख सकते हैं ये नीचे गिर गया था तो टूट गया था, लगभग 2 मंथ से ये ऐसे ही रखा हुआ है। मैं तो भूल भी गया था कि ये कंटेनर टूटा हुआ है, तो अभी मैंने देखा है तो मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगा। तो ये भी मेरे गार्डन में कम केयर में ही ग्रो हो रहा है क्योंकि ये टूटा है तो मैंने दूसरे कंटेनर के साथ रखा था, नहीं तो ये अब तक सूख चुका होता। और इसे कटिंग से ग्रो करने के लिए आप इस तरह की कटिंग लीजिए और अच्छी विल्ड्रेन सॉइल में दबा दीजिए तो बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो भी जाता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा अगर आप कम केयर में प्लांट ग्रो करना चाहते हैं। वैसे ये नर्सरी में भी 10 रुपीज़ में मिल ही जाता है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये सेंसेवेरिया स्नेक प्लांट। ये भी मेरे गार्डन में बिना केयर के ही ग्रो हो रहा है। 1-2 प्लांट मैं लेकर आया था शुरुआत में, उससे मैंने काफ़ी सारे प्रोपोगेट किए थे। बाद में मुझे प्लांट स्वैप करने पर काफ़ी सारे इसके और प्लांट मिले थे, तो काफ़ी जगहों पर मैंने इसके प्लांट को वेस्ट कंटेनर में, इस तरह के मटकों में भी ग्रो किया हुआ है, छोटे छोटे कंटेनर में ग्रो किया हुआ है। बहुत ही सुंदर लगता है, तो ये प्लांट भी आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नर्सरी में परचेज़ करेंगे तो 20, 30 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपीज़ में मिल जाता है क्योंकि ये कॉमन वेराइटी का है और पत्तों से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और ये है रियो का प्लांट, ये भी बहुत ही कॉमन और बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस तरह के हैंगिंग बास्केट में मैंने ग्रो किया हुआ है, बोतलों में भी ग्रो किया हुआ है, तो ये भी कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। आपको भी ये प्लांट कहीं पर देखने को मिले तो आप भी इस तरह की कटिंग ले आइएगा और आसानी से इसे ग्रो कर लीजिएगा। वैसे इसे अगर आप नर्सरी में परचेस करेंगे तो ये भी 20 रुपीज़ तक मिल जाता है, लेकिन कटिंग ही मिल जाए तो कटिंग ही ग्रो कर लीजिएगा। इसकी भी कटिंग का रिजल्ट 100% देखने को मिलता है, बस ओवर वाटिंग मत करिएगा नहीं तो ये गल भी जाता है। इस लिस्ट में अगला प्लांट है ये जेट प्लांट। ये भी बहुत ही कॉमन और बहुत ही हार्डी ये भी प्लांट है। फुल धूप में ये रखा हुआ है, 4 कटिंग लगभग 2 मंथ पहले ही मैंने अपने गार्डन में ग्रो किया हुआ था। वैसे इसे भी मैंने ख़रीदा नहीं है, कटिंग मुझे मिल गया था तो मैंने फ्री में ही इस प्लांट को भी ऐड किया है। और हाँ, अगर आप जेट प्लांट की कटिंग ग्रो करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी अच्छी हो। अगर आप इन्हें केवल गार्डन सॉइल में ग्रो करने की सोचेंगे तो हो सकता है कि आपकी कटिंग गल भी जाए। तो अच्छी विल्ड्रेन सॉइल बनाएंगे, उसमें बच्ची का यूज़ करेंगे तो आसानी से ग्रो हो जाएगा और सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, एक से आप काफ़ी सारे बना पाएंगे। इसलिए इसमें अगला प्लांट है ये सिंगोनियम। इसकी भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ मेरे पास हैं, ज़्यादा तो मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, लेकिन 1-2 मैंने परचेस भी किया हुआ है। और यहाँ लखनऊ में ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलती भी नहीं है, तो जब भी मुझे मिल जाता है रीज़नेबल प्राइस पर मैं ख़रीद लेता हूँ। और इसके अलावा देख सकते हैं डेविस बैकबोन मैंने बोतलों में भी ग्रो किया हुआ है। अगर आप बिगनर्स हैं, गार्डनिंग की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप इन प्लांट के साथ कर सकते हैं। और ये पर्पल हार्ट भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, देख सकते हैं छोटी छोटी बोतलों में मैंने ग्रो किया हुआ है। ये प्लांट कलर बहुत बढ़िया गार्डन में ऐड करता है, वैसे भी इस कलर के प्लांट काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। और इसे आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसकी कटिंग लेकर 1 से 2 लीफ नोड मिट्टी में अच्छे से दबा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये प्लांट ग्रो हो जाएगा। और ये कटिंग बस 1 कंटेनर में लगाइए, कुछ ही महीनों में आपका पूरा कंटेनर भर जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो
तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।